उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में सजा काट रहे माफिया से बाहुबली नेता बने मुख्तार अंसारी का दिल का दौरा पड़ने से गुरुवार शाम मृत्यु हो गई। ये जानकारी जेल प्रशासन ने दी है। बांदा जिला जेल में बंद मुख्तार अंसारी को गुरुवार की शाम रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक 63 साल के मुख्तार अंसारी को जेल के सुरक्षा कर्मियों ने मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में शाम 8:45 पर भर्ती कराया था। उन्हें उल्टी की शिकायत और बेहोशी की हालत में लाया गया था। मेडिकल बुलेटिन में कहा गया है कि मरीज को 9 डॉक्टर्स की टीम ने तत्काल मेडिकल सहायता उपलब्ध कराई, लेकिन काफी कोशिशों के बावजूद भी कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। गुरुवार शाम को जैसे ही मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ने की खबर आई, गाजीपुर में उनके आवास पर लोग जमा होने लगे थे। मौत की पुष्टि होने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लगा दी गई और मुख्तार अंसारी के गृह जनपद मऊ समेत कई इलाकों में पुलिस सतर्कता बढ़ा दी गई है। पिछले साल मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने अपने पिता की जान को खतरा होने का अंदेशा जताया था और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। मुख्तार अंसारी को फिरौती के मामले में साल 2019 से पंजाब की रूपनगर जेल में रखा गया था। समाजवादी पार्टी ने मुख्तार अंसारी की मृत्यु पर दुख भी जताया। सपा नेता अमिक जोमोई ने मामले की विस्तृत जांच की मांग की है। रात में ही शव को पोस्टमार्टम के लिए बांदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया। उनका शव गाजीपुर में उनके पैतृक निवास ले जाया जाएगा। माफिया से राजनेता बने उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में मऊ से 5 बार के विधायक चुने गए थे। पिछले साल अप्रैल में मुख्तार अंसारी को बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई थी। उसी मामले में उनके भाई अफजाल अंसारी को भी 4 साल की सजा हुई। गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद थाने में दर्ज आपराधिक रिकॉर्ड के मुताबिक मुख्तार अंसारी पर कुल 65 मुकदमे चल रहे हैं। मुख्तार अंसारी पर 1996 में विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी और कोयला व्यापारी नंद किशोर रुंगटा के अपहरण और बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या में शामिल होने का मुकदमा भी दर्ज किया गया था। साल 2005 में कृष्णानंद राय की हत्या कर दी गई थी। दुश्मनी की असली वजह मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट थी जो 1985 से अंसारी परिवार के पास रही। गाजीपुर की मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट 17 साल बाद 2002 के चुनाव में उनसे बीजेपी के कृष्णानंद राय ने छीन ली, लेकिन वो विधायक के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। 3 साल बाद उनकी निशंस हत्या कर दी गई। पूर्वांचल में आग की तरह फैली इस हत्याकांड की खबर को मौका वारदात पर कवर करने वाले वरिष्ठ पत्रकार ने बताया था कि वे कार्यक्रम का उद्घाटन करके लौट रहे थे कि तभी उनकी बुलेट प्रूफ टाटा सुमो गाड़ी को चारों तरफ से घेर कर अंधाधुंध फायरिंग कर दी गई। हमले के लिए स्पॉट ऐसी जगह को चुना गया जहां से गाड़ी दाएं बाएं मोड़ने की कोई भी जगह ना हो। कृष्णानंद राय के साथ कुल 6 और लोग गाड़ी में थे। AK-47 से तकरीबन 500 गोलियां चलाई गई। मौके पर बैठे कृष्णानंद राय समेत सभी 7 लोगों की जान चली गई थी। जानकारों के अनुसार गाजीपुर की अपनी पुरानी पारिवारिक सीट हार जाने से मुख्तार अंसारी आग बबूला था। कृष्णानंद हत्याकांड के वक्त जेल में बंद होने के बावजूद मुख्तार अंसारी को हत्याकांड में नामजद किया गया। मुख्तार के हलफनामे के मुताबिक मुख्तार अंसारी के दादा देश की आजादी के संघर्ष में गांधी जी का साथ देने वाले नेता के रूप में जाने जाते हैं और 1926-27 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे डॉक्टर मुख्तार अंसारी थे और वो देश के प्रतिष्ठित जामिया मिलिया इस्लामिया के फाउंडर मेंबर भी थे। मुख्तार अंसारी के नाना ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को 1947 की लड़ाई में शहादत के लिए महावीर चक्र से नवाजा गया था। गाजीपुर में साफ सुथरी छवि रखने वाले और कम्युनिस्ट बैकग्राउंड से आने वाले मुख्तार के पिता सुभानुल्लाह अंसारी स्थानीय राजनीति में सक्रिय थे। साथ ही भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी रिश्ते में मुख्तार अंसारी के चाचा हैं। मुख्तार के बड़े भाई अफजाल अंसारी गाजीपुर की मोहम्मदाबाद विधानसभा से लगातार 5 बार विधायक रह चुके हैं और 2014 में गाजीपुर से ही सांसद का चुनाव भी जीत चुके हैं। मुख्तार के दूसरे भाई सिबगतुल्लाह अंसारी भी 2007 और 2012 के चुनाव में मोहम्मदाबाद से ही विधायक रह चुके हैं। 1996 में बसपा के टिकट पर जीत कर पहली बार विधानसभा पहुंचने वाले मुख्तार ने 2002, 2007, 2017 और फिर 2012 में भी मऊ से जीत हासिल की। इनमें से आखिरी 3 चुनाव उन्होंने देश के अलग अलग जेलों में बंद रहते हुए लड़े थे। मुख्तार अंसारी के 2 बेटे हैं। उनके बड़े बेटे अब्बास अंसारी ने साल 2017 के चुनाव में मऊ जिले की ही घोसी विधानसभा सीट से बसपा के टिकट पर अपना पहला चुनाव लड़ा था और 7,000 वोटों के अंतर से हार गए थे। मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी ने अपनी राजनीतिक करियर कम्युनिस्ट पार्टी से शुरू किया था।
फिर समाजवादी पार्टी में गए। इसके बाद उन्होंने कौमी एकता दल के नाम से अपनी पार्टी बनाई और 2017 में बसपा में शामिल हो गए। वही मुख्तार बसपा से शुरू करने के बाद निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़े। फिर 2012 में पारिवारिक पार्टी कौमी एकता दल से खड़े हुए और 2017 में पार्टी के बसपा से विलय होने के साथ ही वो भी बसपा में शामिल हो गए। यहाँ ये दिलचस्प है कि कभी मुख्तार अंसारी को गरीबों का मसीहा बताने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती ने अप्रैल 2010 में अंसारी भाइयों को अपराधियों में शामिल बताते हुए बसपा से निकाल दिया था। 2017 के चुनाव के पहले उन्होंने अदालत में उन पर कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ कहते हुए अंसारी भाइयों की पार्टी कौमी एकता दल का विलय बसपा में करवा लिया।